आपके 5-6 साल का टैक्स भी गए, आपका वो टाइम पीरियड भी गया, अब जीरो काम खत्म, क्योंकि पासपोर्ट मिलने तक भाई आपकी पेपर कभी भी दोबारा रीचेक हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। होप आप सब खैरियत हो गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, मजे में। पुर्तगाल में आज बारिश हो रही है लिस्बन के अंदर, तो ये मौसम को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो जी आज का टॉपिक है पैसे दे के बायोमेट्रिक जल्दी कैसे करवा सकते हैं ज़्यादा फीस दे के, और कार्ड कितने देर में आपका उसमें आ जाएगा। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिएगा, बड़े लोगों के साथ ये हाथ हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, ठीक है जी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पे नए हैं लोग वो भाई का चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। ये टॉपिक है जी पैसे कैसे दे के सेफ में, इमिग्रेशन में पैसे ज़्यादा पे करके वकील के थ्रू आप कैसे फिंगर जल्दी करवा सकते हैं और रेजिडेंसी जल्दी ले सकते हैं। पास्ट में देखा जाए तो बड़े लोगों से फ्रॉड हो चुका है, और बड़े लोग हज़ारों जो यूरोज़ है अपने बर्बाद कर चुके हैं पुर्तगाल के TRC के चक्कर में। आप बात करें अगर हम 2015 की, जब ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, 2015 से 2018 तक इनकी इमिग्रेशन बंद हो गई थी। वो इसलिए बंद हो गई थी कि उस दौर में जब इसका जब बूम आना शुरू हुआ पुर्तगाल का, तो यहाँ पे लोगों ने पैसे दे के रेजिडेंसी लेना शुरू कर दी थी। लाइक ये ज़्यादा गन चाइनीज़ और ये जो दूसरी यूरोपियन छोटी गरीब कंट्रीज़ हैं उन्होंने डालना शुरू किया था यहाँ आके। तो फिर उसके बाद हमारे पाकिस्तान इंडियन भी इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। सीन क्या होता था, 3,000 यूरो पे करो और रेजिडेंसी ले लो, ठीक है। ये यहाँ पे मिलती थी ओरिजिनल, और विदन डेज मिल जाती थी रेजिडेंसी, 2-3 महीने में आपको रेजिडेंसी फटका के पीछे मारते थे, ठीक है। तो फटका मतलब ये एक अपनी देसी लैंग्वेज में कह रहा हूँ मैं, दे देते थे, ठीक है, आपको डन मिल जाती थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद PR भी पैसे दे के मिलना शुरू हो गई थी, PR परमानेंट रेजिडेंस भी आपको ये दे देते थे। सीन क्या हुआ, फिर 2015 में जब कुछ लोग पकड़े गए इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, इन्होंने सैफ ने 2015 से 2018 तक जो है वो डॉक्यूमेंट्स बंद कर दिए थे, ठीक है। उस दौर में जहाँ जहाँ काम था वहाँ वहाँ स्टॉक हो गया था, बिल्कुल रुक गया था। जिसके फिंगर हुए थे, फिंगरों के लिए वेट करते रहे बेचारे 3 साल, लोग कार्ड नहीं आए उनके, जिनके फिंगरों की डेट थी वो कैंसिल हो गई, सब कुछ जहाँ जहाँ काम था प्रोसेस था लोगों का रुक गया 3 साल जी। इन्होंने फिर पूरी इन्होंने उसकी छानबीन की, किस किस बंदे ने प्रोसेस से हट के पैसे दे के बड़ा करवाया। उसमें जो इमिग्रेशन जो सेफ के अंदर जो ऑफिसर थे, जो लोग स्टाफ था वो भी इन्वॉल्व था, वो भी पकड़ा गया था। कोई दो देसी लोग तो खैर भाग ही गए थे, या पे जो इन्वॉल्व थे, जो एजेंट थे यहाँ से भाग गए थे वो लोग, खैर उन्होंने कमाई कर ली थी। लेकिन पकड़े जाया पैसे उन लोगों के हुए जिन्होंने पैसे दे के रेजिडेंसियाँ ली थी, ठीक है। सीन क्या हुआ, फिर उन लोगों को निकाला नहीं यहाँ से पुर्तगाल ने, पुर्तगाल ने उनके कार्ड कैंसिल कर दिए। कार्ड कैंसिल करने के बाद उन्होंने कहा जीरो से प्रोसेस स्टार्ट करो, जीरो से सब टैक्स खत्म, जो कुछ था उनका सब जीरो हो गया। तो अब वो उनका प्रोसेस फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये काम बंद नहीं हुआ इनके, हालांकि सख्ती करने के बावजूद भी ये पकड़ने के बाद बंद नहीं हुआ। वकील उसके बाद भी जब 2018 में पेपर 18 तक बंद रहे, 19 के स्टार्ट 18 के लास्ट में और 19 में जब ये पेपर स्टार्ट हुए दोबारा, तो फिर लोगों ने ये संतान इंसाफ है यहाँ पे, वहाँ पे भी सीन चलता था, वकील पैसे लेके, वकीलों के अंदर इंस्पेक्टर के साथ सेटिंग थी, वो पैसे दे के वहाँ पे आपके फिंगर्स जल्दी करवा देते थे, डेट जल्दी ले देते थे। आपको पता है जैसे जैसे इमिग्रेंट्स पुर्तगाल में आ रहे हैं, इमिग्रेशन भी अपने जो लॉज हैं जो सख्ती है वो थोड़ी करती जा रही है चेकिंग की, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें पकड़ी गई ऐसी, तो फिर उन्होंने ये सीन भी बंद कर दिया, वकीलों का भी सिक्का चलना बंद हो गया। वकील 2,000-3,000 हमारे देसी लोग भी पैसे लेते थे, आपको पता है अभी भी छोड़ते नहीं है जंड, आप आते हैं बस कहते हैं बंदे को वो छील दे टका के, ठीक है, छुरी के साथ। तो उनकी दिहाड़ियाँ फिर लगती, तो हमारे लोग भी वैसे भी जो आते हैं वो हम देसी लोग हैं, हमेशा हम रॉन्ग साइड पे जाना प्रेफर करते हैं, राइट वे पे हम नहीं जाते, ठीक है। मोस्टली लोग रॉन्ग वे में जाना करते हैं, पैसे ले दे के हमारा काम हो जाए, भाई वहाँ ले दे के काम करें पैसे दे के, जहाँ पे आपको पता है कल को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अनस्कैजुअली आपकी अगर बायोमेट्रिक करवा रहा है बंदा या लॉयर करवा रहा है, वो कैसे करवा रहा है, तो कल को इमिग्रेशन में जब चेकिंग होती है तो ये पासपोर्ट मिलने तक आपकी चेकिंग चलती रहनी है आपके डॉक्यूमेंट्स की। खुदा ना खासा आप कर लेते हैं कोई आपका कोई लॉयर कोई ऐसा एजेंट आपका करवा देता है पैसा लेके, आपको आपका पैसा फजूल है, अमीर हो, भाई हम तो गरीब बंदे हैं, हमने तो नॉर्मल प्रोसेस में चलना है, ठीक है। तो आप अमीर हो तो आप दे के ट्राई कर सकते हो, खुदा ना खासा इन फ्यूचर 1-2 साल के बाद वो पकड़े जाते हो तो सब खत्म जीरो, ठीक है, टाइम भी वेस्ट और क्रिमिनल भी आपका पे बन जाएगा, वो केस भी आपको झेलना पड़ेगा यहाँ पे। अब एक सिनेरियो बताता हूँ कि मेरे पास एक भाई है पाकिस्तान से, वो मेरे सुपरविजन में, जब मैं सुपरवाइजर था तो मेरे पास एट द टाइम सेम डे 300 बंदा काम करता था, उनमें से कुछ कंपनियाँ आउट सोर्स से भी हम बाहर से कंपनियाँ बुलाते थे काम करने के लिए अपने पास।
तो मेरे पास वो काम करता था बंदा, तो उसकी जो है ना वो डेट, अभी आपको पता है डेट्स वेट करना चाहिए यार, कहते हैं सबर का फल मीठा होता है। उस बंदे को किसी देसी मुझे मुझसे कहा कि पैसे ले दे के काम करवा दे। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सीधे रास्ते चलो जो लीगल वे है, ठीक है, लीगल वे में लो आप, बुजुर्ग वो एज जो आपकी होगी है, कल को आपका कोई दो नंबर ही पकड़ी जाती है, कैंसिल करेंगे फिर आप धक्के खाओगे यहाँ पे। खैर उन भाइयों ने जो है ना बात नहीं मानी, तो एक दो बंदे ने ये पंगा डाल लिया किसी के कहने पर। उन्होंने उनके जो पेपर थे आर्टिकल 88 में जो है ना वो जमा हुए हुए थे, पेपर लॉक थे, उन्होंने पैसे ले दिए कि पता नहीं वकील के साथ, वो देसी बंदा क्या अटैचमेंट थी उसकी, उसने वकील ने पता नहीं कौन से आर्टिकल लगा के उसके अंदर, अब मेरी खैर उनसे बात नहीं हुई डिटेल में, तो उन्होंने उनके फिंगर करवा दिए। अब जो उनके बाद वाले केस थे, लोग थे, उनको डेट्स मिल गई, उनके फिंगर भी हो गए, उनको कार्ड भी आ गए, लेकिन वो जिन्होंने पैसे दे के पहले अपना पंगा डाल लिया, जो रॉन्ग वे चूज कर लिया, उनकी इंक्वायरी वही लग गई है, ठीक है, उनके आ ही नहीं रहे। उन्होंने कह दिया कि आपके पेपर तो आर्टिकल 88 में एंटर हुए थे, लॉक हुए थे, आपने अनस्केजुअली दूसरे आर्टिकल के अंदर कैसे फिंगर करवा दिए, कैसे कैसे, वो आपका आर्टिकल तो 88 था तो दूसरे में कैसे आ गए। तो उन्होंने कार्ड अभी तक नहीं दिया, अभी तक वो जो है ना वो पाँव की सीट रहे हैं अपने, सेफ को कॉल लगाते हैं, सेफ कॉल नहीं उठाता, वकील के पास जाते हैं, वकील कहता जी वेट करें वेट करें, मेल किया सेफ को, ये किया, वकील ने तो अपनी फीस लेनी है, एजेंट्स ने, कंसल्टेंट्स ने अपनी फीस लेनी है, ले ली, काम खत्म उनका, आप जानो और इमिग्रेशन जाने, अब आप धक्के खाओ, आप जगह जगह एजेंट्स के पास जाओ, उनके तल्ले डालो, नए नए लॉयर पकड़ो, कभी उसको पैसे दो, कभी उसको दो, कभी उसको दो, टेंशन बन गई। तो इससे बेहतर है मेरे भाई कि लीगल वे में चलें, यहाँ इमिग्रेशन है कोई मजाक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप अगर इमिग्रेशन के साथ कोई भी हैंकी पैंकी करते हैं तो आपको सीधा सीधा क्रिमिनल डालेंगे, एजेंट्स का कुछ नहीं जाएगा, कंसल्टेंट्स का कुछ नहीं जाएगा, वकीलों का कुछ नहीं जाएगा, पेपर आपके खराब होंगे और धक्के आपने खाने हैं। मेरे पास भाई आए हैं आज, मेरे से उन्होंने अपना केस डिस्कस किया, 2019 में आए थे, किसी को फाइल लॉक करवाने के लिए पैसे भी दिए, 450-500 यूरो पता नहीं कितने दिए, खैर मैं नाम नहीं लेता उनका, तो वो लोग जानते हैं, सब जानते हैं, सबको पता है यार, जो पुराने बंदे यहाँ पे गेम कर चुके हैं, सब जो भागे हुए हैं यहाँ से, चले गए हैं, कुछ डिसअपियर हो गए थे फिर दोबारा वापस आ गए हैं, तो सबको पता है, आप भी समझदार हैं सारे, बट जो नए लोग आते हैं बेचारे वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, ठीक है, बनना पड़ता है यार बेवकूफ़, हम भी आए थे बने थे बेवकूफ़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बन जाते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई बंदा सही मिलता नहीं है, हर बंदा नई स्टोरी सुनाता है, एक तो हर बंदा यहाँ पे एजेंट है, हर बंदा यहाँ पे दुबई से आए हुए लोग हैं जिनके क्या सीन हो गया, वहाँ से लोगों ने अपने एजेंट्स यहाँ भेज दिए हैं, अभी आकर उनके पेपर लॉक हुए हैं और इतनी अजीब अजीब सी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जो लोग मेरे पास आते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो जिनका मेरे साथ लिंक है, वो कहते हैं यार कि ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे पुर्तगाल में, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे मजाक ही चल रहा है कि जिसको कुछ भी ना पता, जिसको पूरा वो कहते हैं ना नक पूंजना नहीं आंदा थे, कंसल्टेंट बन गया है, ठीक है, तो ये सीन है, तो ऐसे लोगों से बचें और अनस्केजुअली जो जो ये कर रहे हैं सीन ये ना करें, पैसे दे लेके, क्योंकि बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यूरोप में आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस रखें, आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद नहीं है, ओपन है, देर आए दुरुस्त आए, ये फार्मूला आप जरा पे जहन में, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आपको पेपर लाजमी मिलेंगे और लीगल वे में मिलेंगे और राइट वे में मिलेंगे, कल के आपको दिल में ये नहीं होगा कि कल को मैं पकड़ा गया, चेकिंग होगी तो मेरा काम खत्म, क्योंकि पासपोर्ट मिलने तक भाई आपकी पेपर कभी भी दोबारा रीचेक हो सकते हैं, पहली रेजिडेंसी पे आपके पेपर चेक होने हैं, सेकंड जब रिन्यू होना है तब होने हैं, जब आपने PR अप्लाई करनी है तब चेक होने हैं सारे, फिर जब पासपोर्ट अप्लाई करना है आपने, तो फिर तो उन्होंने आपका इच्ची बिच्ची जो होता है ना सारी हिस्ट्री आपकी चेक करनी है उन्होंने डिटेल, फिर उनको आपको पासपोर्ट देना है। तो अगर इस तरह की आप गेम करते हैं तो कल को पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट में जब चेकिंग होती है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ निकल आती है, तो आप तो गए भाई, आपके 5-6 साल का टैक्स भी गए, आपका वो टाइम पीरियड भी गया, आप जीरो, फिर क्या करोगे। तो इसीलिए थोड़ा वेट करो, ठीक है, लीगल वे में चलो, सीधे रास्ते में चलो, वो बेस्ट है। ये टॉपिक बताना, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं भाई पैसे लेके हमारे फिंगर्स नहीं हो जाएंगे, भाई पैसे लेके ये नहीं हो जाएगा, पैसे भाई इतना फजूल पैसा है, हम लोग खुद एजेंट्स को ऑफर करते हैं ना ऐसी, कि मुझे भी कह रहे हैं जी आप पैसे लेके हमारा ये करवा दें, तो भाई ठीक है लाओ दो पैसे मैं करवाता हूँ, हो ना हो आपकी, फिर आप पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत है, मैं तो कर दूंगा, ठीक है, मैं करवा भी दूंगा आपका किसी लॉयर को कहकर या खुद भी जो भी है, लेकिन आगे नहीं होता वो आपकी किस्मत है, ठीक है, बात को जरा पॉइंट को जरा पिक करें, बात को जरा समझें कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, कि कंसल्टेंट ने सिर्फ अपनी फीस लेनी है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बचें, ठीक है, सीधे लीगल वे में चलें,
होप आपको ये चीज़ समझ आएगी। और जो एजेंट्स है, जो ये 2 हफ्तों में TRC और 3 हफ्तों में TRC, ये सब ड्रामे हैं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1.5 ईयर का प्रोसीजर, अभी फिर वक्त आप 1.5 साल अपने जहन में रख के चलें। बाकी जी आप खुद समझदार हैं, आपको ही पता है कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होनी चाहिए। बातों से, इन्फॉर्मेशन से, वीडियो से आपको आइडिया हो जाना चाहिए। तो जी ये था आज का टॉपिक, आपको आगाह कर दिया मैंने इस चीज़ के बारे में। इस चीज़ का ज़रा ख्याल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा भाई को। नेक्स्ट जॉब जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको जॉब्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, किन एरियाज़ में इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स आपको मिल सकती हैं, रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में, ठीक है। वो भी वीडियो बहुत जल्द बनाऊँगा। आज बारिश थी, आज मूड मेरा था कि आज मैं जाके इस पर वीडियो बनाऊँ, बट बारिश थी तो मैं बाहर जा नहीं सका। तो इंशाल्लाह कल वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। बाकी मेरे सोशल जो लिंक्स हैं वो नीचे हैं, डिस्क्रिप्शन में है। मेरा दूसरा चैनल लाइफ विद शहबाज ट्रैवलिंग व्लॉग्स का, वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ भी। और इंस्टाग्राम तो आपने करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे है, उसको भी जो है फॉलो करें। कोई मैसेज, कोई बात पूछनी है, मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और सेकेंड एक और क्या बात रहेगी जी, बिल्कुल ये वीडियोस भी शेयर कर दिया करें ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। बाकी जी नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, अपने भाई के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात आसान करे और हमें ये ऐसे फ्रॉडी लोगों से बचाए। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।